हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2022 बैच। तो अभी जो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस डाली थी वो उसमें मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कराए थे जो भी सीनेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं जो एक केमिस्ट्री के उस टाइम हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिव उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2022 बैच। तो बेसिकली अभी जो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस डाली थी उसमें मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, तो फिजिक्स के जो थे वो दो लेक्चर हो गए थे। ठीक है, उसमें आपको दो वीडियो मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिया था। केमिस्ट्री का भी एक ही हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में भी मैं फिर से केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं जो भी सीनेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये देखो, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीनेट के एग्ज़ाम के पैटर्न से और उसके सिलेबस से एकदम सेम मैच खाते हैं। कोई ऐसा कोई बाहर से क्वेश्चंस नहीं है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा बहुत ध्यान से देखना, अगर हो सके तो उसको नोट डाउन कर लेना। बट कोई बात नहीं, मैं अगर आप नहीं भी कर पाते तो मैं आपको इसकी पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दूंगा कुछ टाइम के इंटरवल पर। थोड़ा इसको देखते रहना तो आपको एक आइडिया जो है लगा रहेगा कि क्वेश्चन जो है किस तरह के आते हैं। ठीक है, बाकी देखो अभी बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि है ना बोल रहे हैं कि ये पढ़ लो, नेम रिएक्शन ये रिएक्शन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा भी ना दूर रहो। ठीक है, क्योंकि ऐसे कुछ ऐसे इतने ज़्यादा मतलब हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं नीट के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको देखो नीट के लेवल का नीट का नहीं एग्ज़ाम देना है, आपको सीनियर का एग्ज़ाम देना है जो कि नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें इतने हार्ड मतलब क्वेश्चंस नहीं पूछता है। ठीक है, तो एक मॉडरेट लेवल जो होता है क्वेश्चंस का या मॉडरेट या ईजी, ठीक है, इन दोनों के बीच से पूछता है। तो आपसे मैं फिर से बोलूँगा कि ज़्यादा इधर उधर भटको मत। जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आप यही क्वेश्चंस करो। और इसी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ यही क्वेश्चंस करो, ठीक है, इसके अलावा भी आप, ठीक है, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस करो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, सपोज दैट कोई ऑर्बिटल है, इसमें अगर दो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, ठीक है, तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो किस बेसिस पे, ठीक है, इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कौन सा होता है इसका ऑप्शन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं, सेम हो जाती है स्पिन, हाँ हो सकता है, प्रिंसिपल एंड एजीम्यूथल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखो 44 क्वेश्चन में बोला है कि आइसोबार्स है, आइसोबार से क्या सेम होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है, अब बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट 45 क्वेश्चन। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन कौन सा होगा। इट पहला ऑप्शन क्या दिया गया, इट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। तो बिल्कुल सही बात है, अगर प्रोटॉन से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, 46 क्वेश्चन में बोल रहा है कि द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। तो पहला ऑप्शन है कि लोअर द बॉन्ड एनर्जी शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, अगर छोटी बॉन्ड लेंथ है तो बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी, नहीं दे आर नॉट रिलेटेड। तो ये भी गलत ऑप्शन है, पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरे में बोला है कि हायर द बॉन्ड एनर्जी शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, बिल्कुल सही बात है, जितना बीच की दूरी, इससे दो अगर एटम है इनके बीच की जितनी कम होगी उतनी इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ठीक है, ज़्यादा होगी। 47 क्वेश्चन में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं 47 क्वेश्चन किसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 48 क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल आर हाइब्रिडाइज्ड, अगर एक से एक यस है, ठीक है, एक यस ऑर्बिटल है एक पी ऑर्बिटल है, आपस में हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो बोला वी गेट थ्री ऑर्बिटल इन प्लेन, गलत, वी गेट टू ऑर्बिटल एट 180 डिग्री, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री। 49 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन मोशन, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं तो उस मोशन को क्या, कौन सी मोशन बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन,
स्पिन मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन। तो कौन सा मोशन होता है? ऑर्बिटल मोशन। 50 क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटर इफ द डिफरेंस इन दियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेसर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको? कोवेलेंट। टू गैसेस मॉलिक्यूल्स कैन बी रिएक्ट ओनली व्हेन हैव सेम। ठीक है, अगर दो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो रिएक्ट कर सकते हैं कब? जब फ्री एनर्जी उनकी सेम हो, एंट्रोपी सेम हो, एनर्जी सेम हो, ओरिएंटेड सेम, स्टैटिक फैक्टर। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है? 51 है। फोर्थ ऑप्शन होगा ओरिएंटेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में बोल रहा है कि द सब एटॉमिक पार्टिकल दैट डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसमें कोई अगर एक एटॉमिक कोई एक पार्टिकल है उसमें कोई भी चार्ज नहीं है तो क्या है वो? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, क्या होता है? न्यूट्रल होता है। सही ऑप्शन क्या है? न्यूट्रॉन। 56 क्वेश्चन में बोला है कि विच इज़ द मास ऑफ वन मोल ए सब्सटेंस, सॉरी व्हाट इज़ द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन ए ग्राम स्कार्ड। इसको बोलते हैं मॉलिकुलर मास। ठीक है, प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इन एलिमेंट आर देयर। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 होता है, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम। ठीक है, अब 56 क्वेश्चन में क्या बोला कि सॉयल इज एन एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग। सॉयल जो होती है किसका एग्जांपल होती है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर का। अब 57 क्वेश्चन में बोला है कि एन एटम इज, ठीक है, एक एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, नो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गैस, नो द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल एंड एलिमेंट दैट कैन बी टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यस, इसमें क्या इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि पार्ट इन केमिकल रिएक्चेंजेस। ठीक है, 58 क्वेश्चन में बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? ड्राई आइस। सेकंड क्या है? कैम्फर। थर्ड इज आइस। तो नहीं, क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। 59 क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज कौन नहीं होता? अल्फा पार्टिकल होता है, प्रोटॉन भी होता है, हीलियम न्यूक्लियस भी होता है, और क्या इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। हाउ मेनी ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम। ठीक है, कितने मोल प्रेजेंट होंगे? तो एन इक्वल टू क्या होता है? वेट। कितना दिया गया? 36 अपॉन मॉलिकुलर मास 18। ठीक है, क्या आ जाएगा? 2 मोल। ठीक है, अब बोला है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, तो एल्युमिनियम, व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स। ठीक है, मास हमें बनाना है कैपिटल एम। तो देखो, मास इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक मास। कितनी होती है? 27। तो क्या आ जाएगा? 108 ग्राम। ठीक है, अब इसमें बोला है 62 क्वेश्चन में कि इन, और देखो ये भी जो मैं आपसे बोला था ना कि मतलब जो इसमें सीनेट में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बस ऐसे ही आते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पे आते हैं, बस आपको उसमें वैल्यूज पुट करनी होती हैं। ठीक है, बाकी आपको जो भी डाटा है वो पहले से जो भी इसमें डाटा होगा आपको पहले से दिया जाएगा। ठीक है, और 62 क्वेश्चन में बोला है कि इन अ रिएक्शन व्हाट इज़ द लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन की हाइड्रोनाइजेशन, तो क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब 63 क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन एग्जांपल क्या है? ठीक है, तो क्या है? चीज़। ठीक, आप ये भी बात पूछा गया क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार मार्क कर दूँ। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी 64 क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? सॉल्यूशन, सस्पेंशन, बोथ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, नाइदर सॉल्यूशन नॉर सस्पेंशन। क्या है? सस्पेंशन। ठीक है, 65 क्वेश्चन में बोला है कि विच व्हेन अ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड। किसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन।
विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? आर्सेनिक, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो देखो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। 67 क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन एन एलिमेंट, वॉट इज द कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कौन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब 68 क्वेश्चन में बोला है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज यूज टू फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज़ करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नहीं तो क्या होगा, ओनली फर्स्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, तो ड्राई आइस, कैम्फर, आइस नहीं, तो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब 70 क्वेश्चन में देखते हैं, 70 क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ठीक है, करेक्ट कौन सा है, SPM सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, COD है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, SPM है बोथ, SPM है सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो इसका जो देखो मोस्ट जो एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। एटॉमिक नंबर्स इज डिनोटेड बाई विच ऑफ द अल्फाबेट, किसे जेड से डिनोट करते हैं। हाउ आर कैटायंस फॉर्म, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे रिमूव होते हैं उसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, और क्या होता है, कैटायंस का फॉर्मेशन होता है। इन अ पीरियोडिक टेबल वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पीरियड में नंबर रिमेन सेम, तो किसके नंबर सेम होते हैं, शेल के सेम होते हैं। ठीक है, 74 में बोला है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, तो कंपोनेंट के न्यूक्लियस क्या, ओनली इलेक्ट्रॉन, ओनली प्रोटॉन, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, तो क्या होता है, बोथ है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, 75 क्वेश्चन बोला है कि हाउ आर एनायंस फॉर्म, एनायन कैसे बनते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहला ही ऑप्शन सही है इसमें, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मतलब एडअप होंगे तो उससे क्या होता है, एनायंस का फॉर्मेशन होता है, उस पर उतना नेगेटिव चार्ज आता चला जाता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो 76 क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर, तो उसमें मिक्सचर क्या है, मिल्क, लाइम वाटर, आइस, सॉयल, तो क्या है, आइस जो है वो मिक्सचर नहीं है। सोडा लाइम का पीएच कैसा होता है, तो स्लाइट तो लेस एसिडिक होता है। ठीक है, तो क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन। वॉट इज़ द वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो वैलेंसी कार्बन कितनी होती है, सबको पता है कि वैलेंसी कार्बन कितनी, चार होती है। ठीक है, तो 79 क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प टू सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है, मिल्क से क्रीम, ये भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी कई बार आप पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान में रखना। मिल्क से क्रीम को निकालने की जो प्रोसेस होती है क्या कहलाती है, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड सब्लिमेशन, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। 80 क्वेश्चन में बोला है कि हीटिंग ऑफ रबर विद सल्फर इज नोन एज, सल्फर को है ना रबर के साथ जब हीट अप करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉरी वल्केनाइजेशन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ होगा क्या, वल्केनाइजेशन। ठीक है, तो 81 क्वेश्चन में बोला है कि इन अ कंपाउंड ऑफ एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाई मास। ठीक है, तो हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिया है, बाकी और भी जो क्वेश्चन है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, अभी इसमें कराऊंगा तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो होते हैं इसी तरह के आते हैं, यही पैटर्न होता है, कोई बाहर से क्वेश्चंस ऐसा नीट के लेवल का ऐसा कुछ भी नहीं पूछता कि डेफिनेट डेरिवेशन पूछ ले, केमिकल रिएक्शन पूछ ले। ठीक है, बहुत पूछेगा आपसे, रिएजेंट पूछ सकता है, उसका प्रोडक्ट पूछ सकता है, IUPAC नेम पूछ सकता है। ठीक है, और इतना ज़्यादा कोई नेम रिएक्शन ये सब कोई पढ़ने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतना पूछता भी नहीं, इसमें सीनेट का एग्ज़ाम है, कोई आप नीट का एग्ज़ाम नहीं देने बैठ रहे हो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन का लेवल होता है इजी से मॉडरेट के बीच का होता है। ठीक है, ना बहुत ईजी होता है ना बहुत हार्डी होता है, मॉडरेट तक कह सकते हो। ठीक है, बाकी देखो अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि ना कि ये पढ़ लो इधर उधर, तो अभी कुछ भी मत करो, बस तुम्हारे पास अभी ठीक है जो भी टाइम है आपके पास उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, बाकी जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसको आप करते जाओ इसके। और ठीक है, इसके अलावा भी आपको अगर कहीं से क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो भी आप उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, लेकिन हाँ, इसी लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा नीट के लेवल के क्वेश्चन करने कोई अभी यहाँ पे आपको नीड नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको भी अभी कोई अभी डाउट रह जाता है तो आप मेरे से उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मेरे को वहाँ से आप मैसेज करके जो भी आपके डाउट है पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है,
बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माई मोटिवेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग.